राजस्थान के बांधों का गला सूखा, 442 बांध खाली, 243 आंशिक रूप से भरे हुए। प्रदेश में सिर्फ 3 ही बांध पूर्ण भरे हुए। बांधों में सिर्फ 36.73% ही पानी। तेज गर्मी और पेयजल के दोहन के चलते राजस्थान के बांधों में 1 मई 2024 तक जल का भराव सिर्फ 36.73% रह गया है, जबकि 1 मई 2023 को बांधों में भराव का प्रतिशत 45.39% था। मानसून आने से पहले अगले एक माह तक लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाना अब सरकार के लिए चुनौती बन गया है। अगर समय पर मानसून का आगमन नहीं हुआ तो किसानों के लिए भी स्थिति खराब हो सकती है। जल संसाधन विभाग की एक रिपोर्ट से पता चला है, राजस्थान के बृहद 22 बांधों की पूर्ण भराव क्षमता 8104.66 MQM है, लेकिन इन बांधों में वर्तमान में 4014.80 MQM ही पानी का भराव है। इस तरह सिर्फ 49.54% ही पानी इन बृहद बांधों में है, जबकि 4.25 MQM से अधिक भराव क्षमता वाले मध्यम एवं लघु 259 बांधों की भराव क्षमता 3736.14 MQM है, लेकिन इनमें अभी सिर्फ 581.80 MQM पानी भरा है, यानी सिर्फ 15.57% ही पानी है। इसी तरह प्रदेश में 4.25 MQM से कम भराव क्षमता वाले 407 बांधों की कुल भराव क्षमता 823.63 MQM है, लेकिन इनमें अभी सिर्फ 54.80 MQM पानी भरा हुआ है, यानी सिर्फ 6.65% ही पानी है। जयपुर संभाग के बांधों में 20.15% पानी। जोधपुर संभाग के बांधों में 12.10% पानी। कोटा संभाग के बांधों में 57.15% पानी। बांसवाड़ा संभाग के बांधों में 39.89% पानी। उदयपुर संभाग के बांधों में 23.82% पानी। अगर जल संसाधन विभाग की संभागवार रिपोर्ट को देखें तो 1 मई 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर संभाग में 252 बांधों में सिर्फ 20.15% ही पानी है। जोधपुर संभाग के 116 बांधों में 12.10% पानी है, जबकि कोटा संभाग के 80 बांधों में 57.15% पानी है। बांसवाड़ा संभाग के 59 बांधों में 39.89% पानी भरा हुआ है। वहीं उदयपुर संभाग के 181 बांधों में महज 23.82% पानी भरा हुआ है। जल संसाधन विभाग की 1 मई 2024 तक की रिपोर्ट के मुताबिक 4.25 MQM से अधिक भराव क्षमता वाले 281 बांधों में से 146 बांध खाली हैं, जबकि 134 बांध आंशिक रूप से भरे हुए, जबकि सिर्फ एक बांध पूर्ण रूप से भरा हुआ है। वहीं 4.25 MQM से कम भराव क्षमता वाले 407 बांधों में से 296 बांध खाली हैं, जबकि 109 बांध आंशिक रूप से भरे हुए हैं। वहीं इन बांधों में से सिर्फ 2 बांध पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। खासखबर.com के लिए सतेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।